सिल्वरवेयर बिल्कुल ठीक है। लंच शुरू करते हैं। हे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जो मर्जी करो। मुझे फ्राइज बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। ये क्या? मैं इंस्टा के लिए फोटोज ले लेती हूँ। वो बहुत अच्छी, मुझे भी लेनी चाहिए। ओह हाँ, मेरा फोन बहुत पुराना है। मैं अपना खाना ही खा लेती हूँ, फोटोग्राफी कौन करेगा? ये वाला एंगल चाहिए। ये नहीं हो पा रहा, ये कोई काम का नहीं है। हे, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ला दो अपना फोन, बस स्क्रीन पर ग्रीस ना लग जाए। मुझसे फोन गिर गया। नहीं, मैंने पकड़ लिया। हे भगवान, बहुत मुश्किल से बचा, फिर उसने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये तो स्पाइडर है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक फोन चाहिए, एक 3D पेन और एक मार्कर। मैं 3D पेन से मार्कर के ऊपर लूप बनाऊंगी और फिर इसे निकाल लूंगी। बढ़िया, और अब दोबारा 3D पेन लेते हैं। इस कोने पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अब और ड्रॉ करते हैं, एक स्पाइडर वेब की तरह। लूप्स को वर्टिकल रखते हुए, बहुत बढ़िया। अब डेकोरेशन के लिए और लाइन। ये बहुत बढ़िया स्पाइडर वेब लग रहा है। हो गया, मैं भी स्पाइडर्स की तरह शानदार हूँ। ओह, कोनों पर भी करते हैं। अब थोड़ा ग्लिटर, स्पार्कल कभी बुरी नहीं लगती। हो गया, लूप्स रिंग की तरह काम करते हैं। अब मुझे दोबारा फोन गिरने का डर नहीं होगा। ओह, क्या बढ़िया तस्वीरें हैं। हाँ, अब मेरा फोन वापस दे दो। तुमने इस पर क्या कर दिया? हाँ, मुझे पसंद आया। शुक्रिया, तुम अच्छी हो। You're welcome. ये लंच कितना मजेदार था। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। दादी के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना। डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। डैडी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूं? ओह, इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वो मॉम की ग्लासेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है। अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। हे भगवान, ये तो खजाना है। क्या ये मुझे फिट आएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूस दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना? बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना? थैंक यू डैडी। और अब ये पहन लो। ये हुई ना बात। हे, कैसा चल रहा है? देखो मेरे पास क्या है। अरे नहीं, तुम्हें कहाँ से मिला?
सुबह 7 सुबह ही। ये पर्पल है। वाह, मुझे जलन हो रही है। काश मेरे पास भी नया फोन होता। पर रुको, मुझे नया फोन नहीं चाहिए, मेरे पास इतना सुंदर केस है। वैसे केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे कुछ काम है। खैर, मेरे पास और भी है। मुझे नया कलर बहुत अच्छा लगा। खैर, वे कलर्ड केसेस देखो। हाँ, ये कूल है, पर मेरे पर्पल फोन से ज्यादा नहीं। क्या? खैर, अब मेरे पास एक ही चारा है। तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो मेरे सारे केसेस। वो ये तो बहुत सारे हैं। हाँ देखो, केसेस भी बहुत सुंदर होते हैं। वाह, मुझे अच्छा क्यों लगा। खैर, अब मुझे अपना फोन इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। ओह, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक स्ट्रॉ लेकर हम उसे फ्लैट आयरन से कोने से बंद कर देंगे। हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, सिरिंज में कलर्ड लिक्विड लेकर इस स्ट्रॉ को भरेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह थोड़ी और स्पेस लेकर अब हम इस हैंड को भी बंद कर देंगे। अब मुझे बस एक क्लियर फोन केस चाहिए। हम इसे ग्लू स्टिक से कवर कर देंगे। बढ़िया, अब हम स्ट्रॉस चिपका देंगे, बहुत से अलग अलग रंग के। और ये सब केस परफेक्ट हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा नया केस देखो, इसमें बबल्स लगे हैं। वो, मैंने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा। मैं और मेरा कलरफुल फोन केस तुमसे बाद में मिलेंगे। हो यार, अब मुझे दोबारा जलन हो रही है। मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन। हाय, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ओह, एक पेन। ये कोई आम पेन नहीं है। मेरे पास पहले से ही लेजर पेन है। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? ये दिखने में लिपस्टिक है, पर देखो। हाँ, अच्छा लगा। हाँ डूड, मेरे पास ये पिछले साल से है। ठीक है, इसे बेचना मुश्किल है। जरा सोचने दो। ओ, मैं समझ गया, थोड़ा जल्दी कर दोगे? इससे सब दिखता है। सच में? जरा इन्हें देखो, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, मेरे पास ये है। टूटे हुए ग्लासेस को एक जगह पर रखें। 3D पेन से अब इसे जोड़ें। ग्लासेस के फ्रेम पर इसे लगाते जाएं। अब फ्रेम के ऊपर भी यही करें। जब ये हो जाए तो इसकी डंडी जोड़ें और इसके ऊपर भी 3D पेन चलाएं। पूरे पर यही करें। पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटे भी थे। मैंने जोड़ दिए, ये स्टाइलिश है ना? ओह, मुझे ट्राई करने दो। खैर, तुम्हें कैसा लगा? ये तुम ही रखो। पर ओह, मैं समझ गया। ओह ओह, क्या दिन था, बहुत तेज नींद आ रही है। थोड़ा आराम तो करने दो, इस साइड हो जाती हूँ। बहुत तेज है, मुझे सोना है। हाँ, अब बेहतर है। ये पिलो इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? ये क्या बात हुई, पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। एक लात बाहर निकालती हूँ, इससे ठीक लगेगा। लेकिन बेड के नीचे मॉन्स्टर्स हुए तो? ऊपर ही रख लेती हूँ, मुझे अब अच्छी नींद नहीं आने वाली। हाँ बिल्कुल, अब मुझे ठंड लग रही है। इस तरह या इस तरह? मुझे मेरे बेड से नफरत है, ये सबसे बुरी रात है। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हे, एक अंडा।
इससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। हम एक फोन केस और ग्लू गन लेंगे, बीच में ग्लू का सर्कल लगाएंगे और व्हाइट नेल पॉलिश से पेंट करेंगे। बढ़िया, अब इसके सूखने का इंतजार करते हैं। अगले स्टेप के लिए हमें एक येलो बलून चाहिए, ऊपर से काट लेते हैं। अब इसमें स्लाइम की बॉल डालेंगे बिल्कुल इसी तरह, और अब इसे फोन पर लगाते हैं। ये स्क्विशी है, हो गया। ऐसा लग रहा है मेरे फोन के ऊपर एक अंडा है। ओह, ये स्क्विश बहुत रिलैक्सिंग है। वाह, अब मुझे नींद आ रही है। अंडे, ये कुछ भी कर सकते हैं। आ गया। हे गर्ल, तुम बहुत अच्छे लग रही हो, तुम भी। हैप्पी बर्थडे। ओह, एक फोन केस। शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है, माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए, कोई जगह मत छोड़ना, कैमरा लेंस को छोड़कर। इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सिंगल और पर्सनलाइज्ड फोन केस बनाने से है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह, मुझे पसंद आया। बढ़िया, क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, एक और गेस्ट। हे, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। ओह, कितनी गहरी नींद आई। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है, इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरी वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। आह, क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है, उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओह नहीं, वो सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता, लेकिन अरे यार, मेरे हेडफोन्स, मेरा अच्छा समय खत्म हुआ, अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं इसे खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाडा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लिया, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। हे, हाय ब्रायन, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, ये मेरे लिए है, इसे खोलते कैसे हैं? रुको, अरे नहीं, मेरा हीरो। बाल बाल बचा। हाँ, ओ, मेरे पास एक आइडिया है। अपना आईफोन बचाने के लिए आपको बस एक ग्लू गन चाहिए। आईफोन के कोनों पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे, कैमरा बचाकर फोन के साइड पर ग्लू को गिरने दें।
हम चाहते हैं कि फोन सेफ रहे। अब इसे बाकी जगह पर फिल कर दे, अच्छे से ग्लू लगाए ताकि मोटी लेयर बनी रहे। जब फोन कवर हो जाए तो ग्लू को सेट होने दे। अब फालतू की ग्लू हटा दे और ये बन गया एक अनोखा फोन केस। तुम्हें कैसा लगा? ओह, ये तो कमाल है। शुक्रिया ब्रायन। ध्यान से, ये तो बहुत क्यूट है। जो भी है, मुझे तैयार होना चाहिए। ये बेल्ट कितनी प्यारी है, बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं, मेरे नेल्स नहीं, ये खराब हो गए। बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे पर छोरे नेल्स। लूजर, तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये काम आएगा। समझ गए। इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं, अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें, और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं। अपने नेल से टेप को निकाल लें, अब उसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं, 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है। अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाए शानदार नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ। ये कमाल के लग रहे हैं। हे, ध्यान से हटाओ इसे। हटो, तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है। निकलो यहाँ से। बहुत हुआ, ये लो, भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। लगता है मेरा दांत निकल आया। चलो इसे ले जाओ टूथ फेरी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। बकवास, हटो यहाँ से। हे भगवान। ओ नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। शायद ये छड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल, वो उठ रही है। आपने अपनी फेवरेट डिश तोड़ ली है, तो कोई बात नहीं, 3D पेन से ठीक कर देगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर काम बन जाएगा। बॉर्डर बन गए हैं, अब इसमें लाइंस बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह, हमने लगभग आधा कर लिया है दोस्तों। अब दूसरी डायरेक्शन में भी यही करें। ये इस तरह का दिखना चाहिए। बढ़िया है ना, उसे पुराने वाली डिश की याद भी नहीं आएगी। तो चलो। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ इसीलिए तो आई थी। मुझे यहाँ पर दांत की खुशबू आ रही है। बिंगो, इसकी जगह पर एक पेनी रखनी चाहिए। तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। ओ, सच में? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह, फैंसी, ये लो। कितना रोमांटिक है, लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं। बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दें। ये बन गया स्पून।
अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना देंगे। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे ऐसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। बहुत बड़े बड़े दांत थे, पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था। तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया, और तब से वो हमेशा साथ रहे। ओह, वो सो गई। मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओह, बहुत तेज था। ओह, हट मत जाना। वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह, मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मर्मेड टेल और अच्छी दिखे। और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा, पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया। और अब थोड़ी फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी, और ये हो गया। ओह, कितनी प्यारी लग रही है। लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यहीं रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ। अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वुल्फ को चेरी आइसक्रीम चाहिए। आज का दिन कितना धीरे बीत रहा है। उनके पास यहाँ आइसक्रीम है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। काश मेरे पास कैश हो। मैंने कैश कहा, ट्रैश नहीं। ये कैसा रहेगा? मुझे लगता है काम आएगा। ओह, कस्टमर। हाय। हेलो, तो तुम्हें कैसा लगा? हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो? कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं अपनी खुद की करेंसी बना सकती हूँ जब तक मेरे पास मेरा 3D पेन है। परफेक्ट। अब कुछ और स्टेप्स बाकी है। ये आइसक्रीम कोन जैसा लग रहा है ना? और उसके साथ क्या जाएगा? आइसक्रीम ही। स्ट्रॉबेरी सॉस मत भूलना। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? और इस जगह पर चेन लगेगी। कितना प्यारा है। शुक्र है मैंने मैचिंग इयररिंग्स भी बना ली। अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। चलो लुक को और अच्छा कर ली। लगभग। ओह, तुम वापस आ गई। हाँ, मैं वापस आ गई। कितना कमाल का नेकलेस है। इसके बदले मुझे आइसक्रीम मिलेगी, है ना? हाँ। बस एक छोटी वाली दे दो प्लीज। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हर बार यही होता है। सफाई करना मेहनत का काम है। मैंने आखिरी बार सफाई कब की थी? ध्यान दो। ये तुम चूरा फैला रही हो। ध्यान दो। हे, मैं देख नहीं पा रही। जूली, स्क्रीन की तरफ देखो। ओ नहीं, अब वो क्या करने वाले हैं? मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। अरे आराम से खाओ। प्लेयर 456 तो हारने वाला है। मुझे देख देख कर बहुत भूख लग रही है। तुम ये काफी देर से देख रही हो। तुम आखिरी बार नहाई कब थी? तुम्हें इसकी जरूरत है।
ये थोड़ा बेहतर है। तुम जानती हो हमें अब कुछ करना होगा। ये बन गया एक फॉइल हेड। टडा! पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। इसे ट्रेस करने के लिए ब्लैक ग्लू इस्तेमाल करें। जब ये हो जाए तो वुड से भी एक ऐसी ही शेप बनाएं और इस तरह की स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल करें और सब साथ में स्टेपल कर दें। परफेक्ट। अब ये फॉइल हेड के ऊपर रहेगा। और अब मास्क बनाने के लिए ब्लैक ग्लू इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एक क्वार्टर पूरा हुआ। बस इसमें ऐसी क्रिस क्रॉस लाइंस बनानी है। कहा था ना सबर से काम होगा। अब दूसरी तरफ। समय कैसे बीतता जा रहा है ना? फिर अब वाइट की बारी। अब आप समझ रही हैं? अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो आप जानते हैं कि ये क्या है। डरावना है ना? बस एक और एपिसोड। फोकस। हाय। हाँ? क्या ये नहीं हो सकता। मुझे मारना मत। मुझे नहीं खेलना। बंदू बनाया। ओह, ये कितना कूल है। मैं इतनी ही टैलेंटेड हूँ। कितना असली लग रहा है ना? ये मेरा अपना क्राफ्ट है। जूली देखो, क्या इसे भी तुमने बनाया है? मुझे नहीं पता ये कौन है। तो वो कौन है? जल्दी भागो। कितना मजेदार डांस है। ओह, बेल बजी है। मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं, कितना बढ़िया चल रहा था। देखो एक पैकेज आया है। ये मेरे नए क्रॉक्स हैं। कितने सुंदर हैं। मुझे बहुत पसंद आए। वाह, मुझे चलन हो रही है। मेरे वाले तो एकदम बोरिंग है। Hey, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। मैंने एक प्यारा सा फ्लावर बनाया और अब मैं अपना 3D पेन लूंगी। दो पेटल्स हो गए। अब बाकी मुझे पैक एंड फोर्थ पैटर्न पसंद है। हो गया। अब मैं बीच में येलो फिल करूंगी। हाँ, कितना प्यारा बन गया। अब एक स्ट्रॉबेरी। मैं इसे पहले ब्लैक से आउटलाइन करूंगी। ये अच्छी लग रही है। अब ग्रीन टॉप। हाँ बिल्कुल, बेरी के लिए रेड। ये बहुत खूबसूरत होगा। बन गया। अब एक स्टार। मुझे इसके लिए टेम्पलेट भी नहीं चाहिए। मैं इसे ऐसे ही बना सकती हूँ और येलो से लगेगा कि ये बहुत तेज चमक रहा है। हो गया। अब शूज के बारे। मैं स्टार यहाँ रखूंगी और अब बाकी चीजें। हाँ, ये बहुत अच्छी बन गई। चलो इन्हें ट्राई करें। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आई। तुमने बहुत अच्छा किया केट। खैर, ये लो, तुम भी ले सकती हो। हाँ शुक्रिया। तुम्हें कुछ और कूल देखना है? देखो मैंने और क्या बनाया। वो बिल्कुल ऊपर लग जाते हैं और फिर एकदम नए जैसे लगते हैं। मैंने इसे 3D पेन से ट्रेस किया था। कितना कूल है। ओह हाँ, डांस। अब हम अपने नए शूज शो ऑफ कर सकते हैं। मॉर्निंग जूली, मेरा नया मग कितना सुंदर है ना? ओह, बहुत प्यारा है। मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बटर फिंगर्स। हाँ तो ठीक है, मुझे इसे कहीं रखना होगा। वो शेल्फ तो बहुत ऊंचे हैं। जूली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हील्स में भी नहीं। फिर मिलते हैं। वो देख तो नहीं रही ना? हम वो मग लेकर रहेंगे। बस पहुंच ही गई। मैं यही से टेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, ओ नहीं, ये कैसे हो गया? अब तो मैं गई। मुझे सबूत मिटाने होंगे। इसके नीचे देखता भी कौन है? मेरा 3D पेन। शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पहले फॉइल से एक शेप बनाएं। जब ये पूरा कवर हो जाए तो इसे सूखने दें और फिर निकाल लें। अब हमें थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक बड़ा सा दिल बनाते हैं और अब उसे फिल करें। इस तरह ऊपर नीचे लाइंस बनाते जाएं और ये हो गया। एकदम शांति से करना होगा।
लो। चलो देखें। ओहो, ये मग कितना प्यारा है। आखिरकार बर्तन साफ हुए। ओ नहीं, एक और मग। इसे भी साफ कर दो प्लीज। हाँ ठीक है। मग इतना गंदा कैसे हो जाता है? ये क्या, मेरा हाथ। ओ नहीं, क्या ये टूट गया? वो शुक्र है बच गया। नहीं, उनका फेवरेट मग टूट गया, वो मुझे मार डालेंगी। रुको, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे ग्लू भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरा 3D पेन है। मैं क्रैक को कवर करूंगी। ये कलर एक ही है तो ये नजर भी नहीं आएगा। और मैं इसे पूरे हैंडल पर करूंगी, एकदम कोने पर। इसे ज्यादा चाहिए भी नहीं। हो गया, एक तरफ से हो गया। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ भी ऐसे ही करूंगी। ये साइड भी हो गए, पूरा हुआ। अब ऊपर और नीचे से भी कर देते हैं। हैंडल एक मग का सबसे जरूरी हिस्सा है तो इसे अच्छे से सिक्योर करना जरूरी है। हो गया, और हैंडल जुड़ भी गया। ओह, ये लो तुम्हारे लिए जूस। हाँ, लगता है तुमने हैंडल को टेक्सचर दिया है। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। खैर, इसे अब पकड़ना आसान है। जूस के लिए शुक्रिया। शुक्र है ये काम किया। स्विंग से बेहतर और कुछ नहीं है। मैं आ रही हूँ क्लेयर। वुहू! देखो मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखने के लिए शुक्रिया। वो मेरा फोन, कोई उसे बस पकड़ ले। मैंने पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। ये लो। बाल बाल बचे। नहीं, बस इस पर स्क्रैचेस ना आए हो। तुमने फोन केस के बारे में सुना है? पर ये तो बहुत डर लग रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी। समझ गए। अगर आपको भी एक प्यारा सा फोन केस चाहिए तो इस पर 3D पेन से डिजाइन बनाएं। तुम्हें पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैं हिंट देती हूँ, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। शुक्र है मैं ये सारे ले आई थी। अब ग्रीन वाला ले आओ, इसमें बहुत सारी लाइंस बनेंगी। और ग्रीन के बाद मैं इसमें एक सुंदर सा ब्लू कलर करूंगी। देखो कितनी प्यारी लाइंस है। और बस ये पूरा होने ही वाला है, पर यहाँ पर थोड़ी धूप भी होनी चाहिए, इससे कोई भी खुश हो जाएगा। जब ये सूख जाए तो इसे अपने फोन पर लगा लें। मेरा नया फोन केस तो देखो, ये बहुत बोरिंग नहीं रहा है ना? क्या बात है, अब वापस काम पर लग जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्लेयर। कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ। मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह, गुदगुदी हुई। मेरे दांत चमक रहे हैं। ओ नहीं, शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है, अब क्या करना है? मेकअप सही लग रहा है। ओह, मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन इस्तेमाल कर एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होने चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटी छोटी लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्क्रॉल लगाएं। इसे काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें। ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह, अच्छा लग रहा है। मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ।
मैं जानती थी। हाँ, मैं इस ग्रीक पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे थोड़ी और ज्वेलरी पहन लेनी चाहिए। नहीं, ये काम नहीं करेगा। और स्टार्स? नहीं, ये फिट नहीं आ रहे। खैर, इस नेकलेस के बारे में क्या ख्याल है? ये भी नहीं। हे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी ज्वेलरी देखो। वाह, कितनी बढ़िया लग रही है। और मेरे पास सिर्फ यही है। और ये मेरे आउटफिट से भी मैच नहीं होता। ओह, खैर, हम इसका कुछ कर सकते हैं। 3D पेन आ चुका है। जी हाँ, मैं नेफर्टिटी बस को मॉडल की तरह इस्तेमाल करूंगी। हाँ, अब इस तरफ चलते हैं। देखो, ये एक लीफ है। अब हम एक और लीफ बनाएंगे। ये कितनी अच्छी बन रही है। लो, आखिरी भी बन चुकी है। मैंने कहा, मुझे पता था हम कुछ जबरदस्त बनाएंगे। शुक्रिया, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। नाइटी नाइट। इसे जलाकर नहीं सो सकती। वुप्स, मैं कितनी बुद्धू हूँ। लगता है नीचे भी कोई है। ओह, जरा ये तो देखो। मैं इस सामान के बारे में तो भूल ही गई थी। ये क्या है? बार्बी, मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्यार करूंगी। बार्बी, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। शायद ये सपना है। उम्मीद तो है। हाँ, वो बहुत असली लग रही थी। पर ये डरावनी बार्बी ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, घबराओ मत। मेकओवर टाइम। तुम पर थोड़ा काम करना बनता है। तुम्हारी आउटफिट से शुरू करते हैं। तुम्हें रेड पसंद है ना? बस पेन को इस तरह आगे पीछे करना है। इतनी लेंथ काफी है। कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और तुम्हें तो शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब प्यारी प्यारी सपने आएंगे। ये अच्छा है। अच्छे से सुना दोस्त। एक नई ड्रेस। थैंक यू। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हे, मैं खेलती हूँ। मुझे भी एक बारी चाहिए। इसकी जगह तुम कुछ और कर लो ना। लो, मेकअप के साथ खेलो। खैर, ठीक है। मुझे इसे अपने चेहरे पर लगाना है। लो, अब मैं इसे लगा सकती हूँ। हे भगवान, उसने कॉम्पैक्ट खराब कर दिया। मैं दोबारा बोर हो रही हूँ। अब मेरी बारी है। लो, मेरी वॉच से खेल लो। मेरे स्कोर्स बढ़ने ही वाले हैं। अब क्या करूं? इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ और भी होता। क्या 3D पेन मेरी मदद करेगा? हाँ, मुझे इसका हल मिल गया। मुझे सही शेप चाहिए होगी। अब इसे फिल करेंगे। जल्दी करना होगा, इससे पहले वो आ जाए। बस थोड़ा सा और। अब इसे बनाते हैं ताकि 3D लगे। हाँ, बढ़िया। अब ऊपर थोड़ी स्क्विगलीज। इसकी शेप बहुत बढ़िया आई। हो गया। देखो, अब ये ऊपर नीचे होता है। हाँ, शायद ये काम करेगा। ओह नहीं, वो आ गई। कंट्रोलर छपाना होगा। माफ करना, अब वो मेरे पास नहीं है। खैर, वो कहाँ गया? तुम बहुत मतलबी हो। फिर काम किया। वो जा रही है। अब मुझे कंट्रोलर को निकालना होगा। मैं खेलना चाहता हूँ। वो आराम से। लो, ये ले लो। रार, रार। अब मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने कहा बस भी करो। रुको, इस रोबोट से खेल लो। ओ, मुझे ये चाहिए। मजे करो। वाओ, कितना कूल है। अब मैं नेल्स कर सकती हूँ। ये बोरिंग है। मेरे साथ खेलो। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? समझ गई। मैं ये क्रिस्प पफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस पफ को पानी में डुबोएं और फिर साथ में जोड़ दें।
जैसे आप ब्लॉक्स बना रहे हो। मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स पसंद है। मैं ये बोल ले जा रहा हूँ। शुक्र है अब वो थोड़ी देर बिजी रहेगा। ये हुई ना बात। शांति। ही ही ही। ये क्या है? बुद्धू बन गई। ये अच्छी नहीं है। जाओ। मैं इतनी बदसूरत हूँ या वो बहुत ज्यादा बुरी है? जाओ। शायद उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाय। हाँ, जाओ। शायद मैं समझी नहीं। ओ, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आओ। ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो। ये लीजिए। काफी दिलचस्प है। तुम्हारी आंखें सुंदर हैं। बुरा नहीं है। खासकर ये अजीब सा एंगल। पर ओवरऑल ये बोरिंग है। नहीं। ठीक है। जाओ। अरे यार, इन फैब्रिक पैटर्न्स को तो देखो। तो उसे ये पसंद है। तो मैं कुछ अच्छा बना सकती हूँ। इस तरह की लाइन पैटर्न से शुरू करें। रुको, अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर से एक नया डिजाइन बनाए। दिलचस्प लग रहा है ना? पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ये रंग साथ में अच्छे लगते हैं। और ये पूरा हुआ लगभग। ओह मिस, मैं इस बार नई पिक्चर्स के साथ आई हूँ। तुम दोबारा आ गई। भरोसा कीजिए, आपको ये पिक्स पसंद आएंगे। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये तो काफी अनोखा है। हमारी एजेंसी यही ढूंढ रही है। तुम्हारा स्वागत है। बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मैं मॉडल हूँ। वाह, वो मेरी ड्रीम गर्ल है। हर कॉप को डोनट्स पसंद होते हैं। मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बहुत मजा आएगा। वो अच्छे लग रहे हैं। अभी नहीं। ये इतना लाउड क्यों है? हेलो, काश मैं उसे अपनी बाहों में ले पाता। मेरी डोनट्स, अब मैं उन्हें नहीं खा पाऊंगा। काश मैं कुछ कर पाता। सोचो मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं? ओह, लगता है मैं समझ गया। आहा, 3D पेन से एक सर्कल बनाए। बाहर की तरफ घुमाते जाए ताकि ये सर्कल बढ़े। जब आपको सही साइज मिल जाए तो आप 3D पेन से इसकी हाइट बढ़ाएं। बस इसके ऊपर ऊपर लेयर्स बनाते जाएं। ये करते करते बीच तक आ जाएं और फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक मिनी डोनट। अलग अलग रंग इस्तेमाल करें और फ्रॉस्टिंग भी लगाएं। देखकर ही भूख लग गई। अच्छा लग रहा है। अब इस पर स्प्रिंकल्स और चेन लगाएंगे। कितना बढ़िया गिफ्ट है। वाह, उम्मीद है उसे पसंद आए। मैं आ रहा हूँ मेरी जान। हे, पिस्ट। अब तुम्हें क्या चाहिए? इधर आओ। ये कोई चाल तो नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओह, ये खूबसूरत है। मुझे पसंद आया। तुम कितने प्यारे हो। हाँ। Hey. तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। दादी के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना। डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। दादी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूँ? इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वो मॉम की ड्रेसेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है।
अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। हे भगवान, ये तो खजाना है, क्या ये मुझे फिट आएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूस दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना। बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना। थैंक यू डैडी, और आप ये पहन लो। ये हुई ना बात। वी, ध्यान से। वुम। हाय डैडी। हेलो स्वीटहार्ट, ये लो तुम्हारी कैंडी। वाओ, थैंक यू। मुझे भी जूस चाहिए। गुड गर्ल। ये क्या? सब ठीक है? ओप्सी, सॉरी डार्लिंग। वो मेरा फेवरेट ट्रक था। मैं जानता हूँ। ओह, डैडी इसे ठीक कर देंगे। पर मुझे एक कार्टन चाहिए। जूस कार्टन के ढक्कन को हटा दें। अब ढक्कन के अंदर एक वुडन स्क्यूअर डालें। अब स्क्यूअर के ऊपर एक स्ट्रॉ डाल दें और इसके दूसरे कोने पर एक और ढक्कन लगाएं ताकि व्हील्स लगे। अब जूस कार्टन लें और इसके ऊपर ग्लू लगाएं। हमें बस कार्टन पर एक पतली सी लाइन चाहिए। जब ये हो जाए तो इसके ऊपर व्हील्स लगा दें। कार्टन के नीचे भी एक और व्हील्स का सेट लगाएं। अब एक बलून लें और इसके अंदर स्ट्रॉ डालें। रबर बैंड से इसे सिक्योर कर दें और अब इसे जूस कार्टन से लगा दें। देखो मेरे पास क्या है। ये क्या है? मैंने सोचा क्यों ना एक रेस हो जाए। मैं दिखाता हूँ, तुम ये वाला ले लो। वाओ! अगर हम इन बलून्स को फुलाएंगे तो ये कार्टन्स चलेंगे। तैयार हो तो चलो। मैं जीत रही हूँ, थैंक्स डैडी। ओ, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार तो हूँ। ये क्या चल रहा है? इतने बड़े बड़े सर लेकर आ गए। हम आज पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? बेस्ट पार्टी? शानदार। बेस्ट पार्टी एवर। मेरे पास कपड़े भी हैं। पार्टी टाइम। पर ये नेल्स, मैं ऐसे नहीं जा सकती। पर मैनिक्योर बहुत महंगे होते हैं। मैं इन्हें कैसे छिपाऊं? मेरा 3D पेन। अच्छे नेल्स चाहिए। पहले कुछ पार्चमेंट पेपर लगाएं। क्यूटिकल्स डिफाइन करके नेल की आउटलाइन ट्रेस कर लें। अब पेपर हटा लें। अब नेल ड्रॉ कर लें और पेंसिल से फिल कर दें। रेड अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कर्व करने के लिए इस तरह के बार का इस्तेमाल करें। अब इसे पेपर से निकाल लें और ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। टडा! लाजवाब। और ये आसान भी है। महंगे महंगे मैनिक्योर में पैसे कौन लगाए, जब आप ये खुद कर सकते हैं। हे, क्या बढ़िया नेल्स है। शुक्रिया। ये हुई ना बात। कितनी गहरी नींद आई। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है। इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू!
मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरी वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। आह, क्या खुशबू है। नहीं छोड़ बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओह नहीं, वो तब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन ओह, अरे यार, मेरे हेडफोन्स। मेरा अच्छा समय खत्म हुआ, अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाटा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओ हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। वुल्फ के बहुत बड़े बड़े दांत थे, पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था। तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया, और तब से वो हमेशा साथ रहे। ओह, वो सो गए, मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओह, बहुत तेज था। ओह, उठ मत जाना। वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह, मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मर्मेड टेल और अच्छी दिखे, और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा, पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया, और अब थोड़े फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी, और ये हो गया। ओह, कितनी प्यारी लग रही है, लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यही रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ, अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वुल्फ को चेरी आइसक्रीम चाहिए। हे वाह, तुम तो आज चमक रही हो, क्या ये असली है? नहीं, ये डेविड है। नहीं, मेरे बाल, मैं फ्लोटी होने की कोशिश कर रही थी। ओह, ये लंबे बाल, ये बेहतर है, वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता, सारी अटेंशन एवा पे जाती है। सच में, चलो दोबारा करें। सब ठीक है। हाँ, मेरा सारा सामान गिर गया, ये दिन तो बुरा ही होता जा रहा है। हाय डेविड। वो एनी की इयररिंग्स देखो। हे, मैं, एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पसंद है? ये बहुत अलग है। मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। एनी अपने आप को बहुत तेज समझती है, उसकी इयररिंग सच में कूल है। मुझे तुम्हारी ईयर कैंडी पसंद आई, मैं तुम्हारी बनाने में मदद करूं? 3D पेन से एक लीफ के पिक्चर को ट्रेस करें और इसे अंदर से भी कलर करें। ये
ये बिल्कुल असली लीफ लग रही है। देखो जब ये सूख जाए इसे चेन से चिपका दें। अब नीचे एक और लीफ लगा दें। आप इसे मिक्सर मैच कर सकते हैं। बढ़िया है नहीं? शुक्रिया। ये लगते तो महंगे ही हैं। मिस जूली के लिए डिलीवरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई डार्लिंग। पता नहीं इसमें क्या है। ओह, ये तो वही फैंसी हेयर ब्रश है। उसे कैसे याद था कि मुझे ये चाहिए। आखिरकार वो मेरी हर बात समझता है। और ये स्वेटर तो देखो, कोई टैंगल्स नहीं। तुम्हें ये पसंद आया प्लांटी? ये हुई ना बात। कैसे हो जूली? हाँ, बाहर हवा चल रही है क्योंकि तुम्हारे बाल थोड़े उलझे हुए हैं। यहाँ मत देखो, बस थोड़े से स्ट्रोक्स। और जूली, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। खैर जो भी हो, ये ब्रश बहुत बढ़िया है। ओह, बाल उलझ गए। इसमें से निकलो। गह, मेरा फैंसी ब्रश। लियो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। अरे यार, पर मैं जानती हूँ तुम्हारी मदद कैसे की जाए। ओह हाँ, मैं कुछ भी ट्राई करूंगी। इसमें ब्रिसल्स नहीं है तो आप इसे एक 3D पेन से खुद ही बना लें। पर ध्यान रहे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब बेहतर है ब्रिसल सिटी बेबी। ये एकदम परफेक्ट है ना? ये कैसे हो सकता है? थैंक यू। फिर मिलते हैं। हे, ये कॉफी है। कैसी हो बेब? तुम्हारे बाल? हाँ। ओह, घबराओ मत। ये देखो, एक ब्रश। हाँ। ओह, लगता है ये फंस गया। अब चलो चले, ठीक है? बस शीशे में मत देखना।